हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनपाल व्लॉग में। तो जी, दोपहर का ना 1 बज चुका है और घर के लगभग हमारे सारे काम निपट चुके हैं, लेकिन आज जो है लाइट जो है बहुत परेशान कर रही, क्योंकि कल से ना तेज़ हवाएं चल रही और इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई जाती है लाइट में। और लाइट का इंतज़ार करते करते मैंने कुछ कपड़े तो हाथ से धो दिए, क्योंकि आज कपड़े भी बहुत सारे हो रखे थे। देखिए, कुछ कल के दो दो जोड़ी पहने ना, तो इस वजह से तो कुछ कपड़े तो मैंने हाथ से ही धोने स्टार्ट कर दिए, तभी एकदम अचानक से लाइट आ गई। तो चलो फटाफट से कपड़े धुल लेते हैं। बच्चे जो है सारे के सारे गेयर में चले गए हैं खेलने के लिए, और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही हुई नहीं, कई दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बूंदाबांदी भी हुई ना, और अब तो धूप भी निकल गई, वरना तो अब तक ना धूप नहीं थी, बादल हो रखे थे काफ़ी सारे। और अब जो है मैंने मशीन चला दी है, कुछ कपड़े मैं मशीन में डाल दिए और कुछ हाथ से धोंगी, सर्फ डाल रखा जो साड़ी वगैरह जो है हाथ से धोंगी, और कुछ पूजा पाठ के भी कपड़े हैं इन्हें भी हाथ से धोने, तो ऐसे जल्दी जल्दी काम निपट जाए, क्योंकि आज जो है घर पे भी कीर्तन है, हम इतने कीर्तन रख रखी है तो वहाँ पे भी जाना हमें काम निपटा कर। और दीदी को जो है ज़रूरी काम था तो वह बुढ़ाना गई हुई है, तब तक वे भी आ जाएगी और मैं भी घर तक घर का सारा काम निपटा दूँगी। खाना जो है सुबह ही बना लिया था हमने, खाने में कढ़ी चावल बनाए माजी ने आज, माजी के हाथ के स्पेशल कढ़ी चावल, और सब ने खा भी लिया, बच्चों ने भी और बड़ों ने भी, बर्तन वगैरह सब साफ होंगे। और चलिए कपड़े धुल देते हैं अपने। तो फ्रेंड्स, कपड़े जो है हमारे धुल चुके हैं, खैर भगवान का शुक्र है कि लाइट जब से आई थी ना कपड़े डाले मशीन में, तब से गई नहीं एक बार भी, वरना कपड़े बहुत सारे हो रखे थे। देखिए दोनों तार है और उस पर ना एक दूसरे के ऊपर डाल के कपड़े, ताकि उड़े ना, हवा चले ना। और इधर खैर लाइट टिक गई और सारे कपड़े जल्दी से धो गए, बच्चे सारे घर पर चले गए हैं अमितर की तरफ, और अब मैं भी तैयार होती हूँ और एक बार दीदी से फ़ोन करके पूछती हूँ कि कितना टाइम लगेगा पढ़ाना, और इतना जब तक वे आएगी ना तब तक रेडी हो लेते हैं और फिर चलते हैं घर पे कीर्तन में माता रानी का नाम लेने के लिए। हो रही है बहस, पता नहीं किस बात के ऊपर, क्या कह रही नंदनी, जो इसने धमकाओगी तो क्या करेगी, जो आरुषि इसके साथ ऊंची आवाज में बात करेगी ना तेरे साथ खेलने की, नहीं समझ गई क्या, तो ना खेलना नहीं हो और अकेली खेल लेगी है, इधर से भी तो पकड़ लगी कहना नंदनी का। देखो भाई, नंदनी इस बिल्कुल समझदारी वाली बात कर रहा है एकदम। अरे अंकों में तो बाल क्यों नहीं हटाते आप, हाँ इस कटवाने पड़ेगा। अरे देखो यार, उसने क्या जुगाड़ बनाया, एक जेसीबी जोड़ लिया, एक ट्रैक्टर जोड़ लिया। देखो भाई ठीक है, खेलते रहो, लो बेटा हट गए। ए भाई रे, चलो खेल लो अपना आराम से, लड़ो ना भाई। तो फ्रेंड्स, शाम के 7:30 बज चुके हैं और घर से हम 6 बजे से आ गए थे कीर्तन वगैरह करवा कर, उसके बाद हमने आके कपड़े वपड़े संगवाए और संध्या पूजा की, तो इधर 7 बज गए तब तक, और अंधेरा भी काफ़ी हो गया। अब हमें व्रत के लिए बनाना है खाना। वैसे तो माँ जी ने रोटियाँ सेक दी चूल्हे पर, तब तक मैं यहाँ गैस पर सेक देती हूँ, बना लेती हूँ अपना व्रत का खाना, और चिंकी जो है सबको सर्व कर दी खाना। इधर मैंने आलू काट लिए है, हरी मिर्च काट ली है, और कुकर में थोड़ी सी सब्जी बनाऊंगी आलू की, आलू जीरे में छोंकेंगे बस, थोड़ी सी 1 चम्मच घी डाल के पतली सब्जी बनाएंगे और रोटी सेकेंगे छुट्टू की, एक एक रोटी खाई जाती है, एक कप या डेढ़ रोटी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नरम नहीं होती ये रोटियाँ, तो खाने में भी दिक्कत रहती है रोटियों को, टाइम लगता है खाने में, और तब तक पर यह है थोड़ा सा एनर्जी सी आ जाती है अगले दिन के लिए। इधर थोड़ा सा ना दूध जमा था दोपहर सुबह, मलाई वलाई इकट्ठी हुई थी 2 दिन की, तो इसमें जी मक्खन भी आ गया हमारा, तो जी मक्खन लगा लेंगे रोटियों पे, और मट्ठा हो जाएगा फिर जो खाने के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। और इधर घी डाल दिया कुकर में मैंने, 1 चम्मच घी डाल दूँगी, और ये जो है गाय का घी है हमारे, और इसमें इसे गर्म हो जाएगा तो इसमें जीरा डाल देंगे थोड़ा सा, और बस शिमला नमक और आलू और हरी मिर्च, इसी तरीके से सब्जी बनाएंगे सिंपल सी। इधर घी जो है हमारा गर्म हो चुका है, और जीरा जो है व्रत वालों का अलग ही रख रखा है भाई, क्योंकि मसालेदानी में ना नमक वगैरह रखे रहते हैं, हल्दी नमक मिर्च उसमें मिक्स हो जाते हैं मसाले, और इसमें अब डाल दूँगी हरी मिर्च, थोड़ा सा इसमें चंदा नमक डाल दूँगी, और इसमें पतली सी सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा सूखी नहीं बनानी थी,
इधर ही आया खाने के लिए, दो सीटी लगवा दे हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तब तक आटा बना लूँगी और देखती हूँ कुछ क्या खाना पसंद करेंगे, रोटी या पूरी उसी हिसाब से बना लूँगी। तो फ्रेंड्स इधर जो है आटा मैंने लगा लिया है और सब्जी हमारी बनकर तैयार है। इधर मैंने मक्खन भी निकाल दिया मट्ठे में से, ये देखो ये बच्चे खा लेंगे और हम मट्ठा इस्तेमाल करेंगे अपने पीने में खाने के साथ, आलू की सब्जी और पूरी या रोटी जो भी बनेगा जो भी बोल देंगे सब खाने के लिए पूरी बना दूंगी, क्योंकि बच्चे भी खाना पसंद करते हैं ना ऐसी चीज़ें। बड़ा सामान और आटा अच्छा सा लगा लिया मैंने, मतलब टाइट सा लगा लिया ताकि पूरियाँ या रोटी अच्छी तरीके से बिल जाए, क्योंकि मैं बेलनी से ही बेल दूँ और पलक तनी का इस्तेमाल करूँ जैसे सिंपल रोटी बने और अच्छी बन जाती है। और बस लेप पे बेल दूँगी और सबसे पहले तो माता रानी का भोग लगाएंगे, उसके बाद सब अपना व्रत का जो व्रत है खाना खा लेंगे, मतलब व्रत वाला खा लेंगे। फ्रेंड्स इधर जो है हमारी सब्जी बनकर तैयार है। मैं तो सोच रही थी पतली सी बनेगी लेकिन इन आलूओं ने तो सारा ही पानी सोख लिया। और सबसे पहले तो कान्हा जी का और माता रानी का भोग निकाल लूँगी इसमें से, और इधर कढ़ाई चढ़ा दी मैंने पूरियाँ बोल रहे सब, तो जी घी में घी और डाल लेती हूँ और पूरियाँ बनानी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो भोग लगाएंगे, और जब तक ये गर्म होगा ना तब तक एक दो पूरियाँ बेलनी शुरू करती हूँ, फिर फटाफट उतार दूँगी। तो फ्रेंड्स इधर जो है हमारी पूरियाँ बनकर तैयार है, दो तीन बना ली मैंने पहले, और पहले भोग लगाएंगे और देखो फूल जाती है ना तो नरम रहती है रोटी, और इस साल पक भी गई और ये देखो सारी सारी सीख गई, और कुछ मैंने थोड़े से इसमें आलू भी डाले थे ताकि ये नरम रहे। इससे ना ये अंदर से कच्ची कच्ची सी रह जाती है, मतलब पक जाएगी अच्छी तरीके से, रोटियों से जल्दी बननी, रोटियां जो है थोड़ा सा टाइम लेती है बनने में लेकिन पूरियां ना अच्छी बननी और जल्दी बननी उससे, और बेलनी से ही अच्छी बिल जा। तो फ्रेंड्स पूरियां हमारी सारी बनकर तैयार है, ये देखिए सारी बना दी हमने और दीदी और भाई साहब ने खा भी ली, बच्चों ने भी खा ली और बस ये बच रही है। अब गुड्डू भी खाए, गुड्डू खाएगी और मैं खाऊंगी इसमें से, लेकिन मैं मट्ठे के साथ नहीं खाऊंगी क्योंकि कल भी मुझे नुकसान दी थी शाम के टाइम, मैं दूध लूंगी या फिर चाय बनवाऊंगी अपने नाम की ये आलू और पूरी के साथ, क्योंकि चाय भी अच्छी लगेगी इनके साथ, अजीब नहीं लगने की हल्सा ना गले में दिक्कत पड़नी, दही खा ली थी शाम के टाइम, नुकसान दे रहा है मुझे शाम के टाइम दही। वैसे भी मेरी जो है दही मट्ठा खट्टी चीज़ें बंद है, डॉक्टर ने बंद कर रखी क्योंकि पैर में दर्द है ना उसकी दवाई चल रही, और दवाई तो मेरी छुट्टी रही उसकी वजह से वर्थ की वजह से, तो जी फ्रिज तो कर ही सकूँ। तो फ्रेंड्स रात के ना 9 बज चुके हैं और इधर खाना वाना सबका हो गया है, बर्थ वालों ने भी खा लिया और सब ने खा लिया, बाहर का सारा काम निपटा लिया हमने और बर्तन वगैरह साफ करके किचन भी क्लीन कर दी। इधर जो है दो दिन से ना इतना बिजी रूटीन चल रहा कि बच्चों पे ना बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना इनका वर्क कराया जा रहा, और नंदनी जो है मुझसे कहते कहते सो गई कि मम्मी मेरा होमवर्क करवा दो, कल भी कहा इसने लेकिन कल भी मैं बहुत बिजी थी और फिर थक गया शाम के टाइम, तो हिम्मत नहीं हुई कि इसका होमवर्क करवा दो, और ये मेरे से पहले सो गई जब तक हमने खाना वाना खाया। और आज भी इसके साथ ऐसा ही हुआ कि क्योंकि कल हमारे यहाँ कीर्तन थी और आज अम्मी थर के यहाँ कीर्तन थी, तो वहाँ पे घर का काम निपटाने के बाद फिर ये काम देखना होता है, तो जी इस बीच में बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया। और नंदनी ने कई बार बोला मुझसे कई बार कल से, लेकिन मेरा ही थोड़ा सा टाइम नहीं था और ये तो बेचारी कहती कहती सो गई। लेकिन आरुषि जो है आज दिन में सो ली थी, तो जी ये तो अपना लेट तक जाकेगी तो ये अपना होमवर्क कर लेगी, आरुष का होमवर्क अब करवा देती हूँ। नंदनी ना जैसे अब जल्दी सोगी ऐसी सुबह जल्दी उठ जाएगी, तो सुबह जल्दी उठते ही सबसे पहले इसका होमवर्क करवा दूँगी और उसके बाद क्या नाम इसे रेडी कर दूँगी। इधर जो है इनका होमवर्क करवाने के साथ साथ हाँ उठते ही ये चाय पीती है, बैटरी चाहिए होती है इन्हें होमवर्क, इस आरुषि का होमवर्क करवाने के साथ साथ मैंने इनका तीनों का बैग भी लगा दिया टाइम टेबल के अनुसार, आरुषि का नंदनी का, और आरुष की जो है बुक निकाल के रख दी क्योंकि आरुष जो है दोपहर छत पर बैठ कर काम कर रहा था तो उसका बैग छत पर ही है, तो सुबह ही अब लगा दूंगी ना इसकी बुक्स वगैरह, तो सुबह ही बस उसके बैग में रखनी रखनी रहेगी। और इधर आरुषि जो है अपनी राइटिंग कर रही और ड्राइंग का वर्क कंप्लीट कर लिया, बेटा साफ साफ करना ठीक है,
और टेबल रख लो ना, टेबल नहीं रखते तो साफ साफ करना, ठीक है? चलो कर लो। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए दिन और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सबको, हमारी राम राम, राधे राधे। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट।